कटनी पुलिस ने नाबालिग बालिका को बेचने वाले फरार इनामी आरोपी पति पत्नी को गुजरात से किया गिरफ्तार। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन की जुबानी पूरे मामले की कहानी। 363 की रिपोर्ट विजयरावगर थाना में दर्ज की गई, जिसमें एक नाबालिग बच्चे के गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज हुई थी और हमने लगातार इसमें ध्यान देते हुए पूरे मामले को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए हमने इसमें कार्रवाई सुनिश्चित की थी। मई माह में बच्ची को GRP की मदद से हमने राजस्थान से बरामद किया था और हमें ज्ञात हुआ कि इस बच्ची को अलग अलग समयावधि में अलग अलग स्थानों पर इसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, साथ ही साथ उसकी बिक्री भी की गई है। ये मानव व्यापार का एक मामला बनता था और हमने इसमें पूर्व में करीब 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और जो मुख्य आरोपी थे नितिन जैन और उसकी पत्नी, उसको हमने अभी गुजरात के अहमदाबाद शहर से स्थानीय पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया है। मेरे द्वारा इस मामले में पूर्व से ही 10,000 रुपये का इनाम दोनों आरोपियों पर घोषित किया गया था। जो बच्ची थी दस्तावेज किया गया, उसको क्या उसके परिजनों को सौंप दिया गया? बच्ची को तो काफ़ी पहले परिजनों को सौंप दिया गया है, जब पिछले वर्ष ये मामला हमारे सम्मुख आया और हमने इसे विवेचना की और बच्ची को जब हमने बरामद किया तत्काल ही इसके परिजनों को इसे सौंप दिया गया।